वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज विक्रम चटर्जी एंड यू आर वाचिंग बिकू द व्लॉगर। सो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं कि आप TVS Ntorq के ऊपर एक टोटल डिटेल वीडियो बनाएं। सो हियर इज द वीडियो। सो मैं आज बात करने वाला हूँ हिंदी में, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बाहर से हैं तो उनको बंगाली अगर नहीं आता होगा तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो जो है मैं ये हिंदी में करूँ। सो गाइस, दिस इज़ माय जोया बेबी। सो जिन जिन को पता नहीं है कि जोया किसका नाम है, तो दिस इज़ माय TVS Ntorq 2020 BS6 मॉडल एंड मैंने इसका नाम दिया है जोया, एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस इज़ माई 2020 एडिशन एंड इट्स आपको इसके साथ मिलता है 124.8 cc का इंजन आपको मिलता है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड आपको इंजन मिलता है इसके साथ। अगर आप फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक। सामने आपको DRL मिलता है, पीछे आपको DRL मिलता है, वो भी फुल LED। बाइक टोटली इलेक्ट्रॉनिक से भरा हुआ है क्योंकि इसका जो मीटर है टोटली डिफरेंट है। इसमें आप ब्लूटूथ से अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप राइड करते हैं अगर आपके फ़ोन में कोई फ़ोन आता है तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे उसका नाम और नंबर जो भी है वो आपको शो हो जाएगा डिस्प्ले में। और इसमें अगर आपका सर्विस भी ड्यू रहता है तो सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी यहाँ पर आता है। उसके साथ इस पर दो मोड्स हैं, एक है स्पोर्ट्स मोड्स, एक है स्ट्रीट मोड। तो मैं यूजुअली स्पोर्ट्स मोड चलाता हूँ क्योंकि उसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा बढ़िया मिलता है मुझे। फ्यूल इकोनॉमी अगर बात करें फ्यूल इकोनॉमी का, तो ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली स्कूटर है। आपको फ्यूल इकोनॉमी 40 से 45 के आसपास आपको मिलेगा। आपका जो राइडिंग स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूल इकोनॉमी आपको कैसा मिलेगा। मुझे पर्सनल जो मिलता है, मुझे मिलता है 40 से 43 के अंदर मुझे मिलता है फ्यूल इकोनॉमी, जो कि मेरे लिए बढ़िया है। सो बात करते हैं अभी बाइक के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस आपको मिलता है 22 लीटर का। वहाँ पर आपका चार्जिंग पोर्ट भी अलग से दिया हुआ है और उसके साथ एक लाइट भी दिया हुआ है। मान लीजिए आप रात को कहीं पर अपना जो बूट स्पेस है वहाँ से कुछ सामान आपको निकालना है सो आप इजीली निकाल सकते हैं। जब भी आप बूट स्पेस खोलेंगे तो वहाँ पर एक लाइट है, लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा। और अगर पावर की बात करें तो मैक्स आपको जो पावर मिलता है, नॉर्मल पावर मिलता है, वो है 9.38 MN का और सॉरी PS का। और अगर आप मैक्स टॉर्क के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको मुझे ठीक से याद नहीं है बट 10.8 और 11 के पास आपको मिलता है मैक्स टॉर्क इसका। और बाइक चलने में बहुत ही स्मूथ, मैं 33 में चल रहा हूँ तो मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, एकदम बाइक स्मूथली चल रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा अगर खींचे तो थोड़ा आपको हाई RPM में थोड़ा वाइब्रेशन आपको मिल सकता है। मेरे स्कूटी में नहीं मिलता है क्योंकि मैं ऑयल मेंटेन रखता हूँ, इसलिए मेरे स्कूटी में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं अभी तक। बट अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके एक टाइम पे आपको थोड़ा वाइब्रेशन मिल सकता है क्योंकि TVS का इंजन जो है वो वाइब्रेशन के लिए जाना जाता है। दिस इज़ नॉट द रेस एडिशन, दिस इज़ द नॉर्मल एडिशन। तो सामने मुझे LED DRL तो मिलता है लेकिन जो हेडलाइट है वो नॉर्मल हेलोजिन बल्ब है। पीछे मुझे टोटली LED DRL के साथ LED बैकलाइट भी मुझे मिलता है। और बात करेंगे इसका वेट का, तो ये अराउंड 120 से 121 kg के आसपास इसका वेट है। सो वेट और पावर रेशियो के हिसाब से ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स देती है, जो मतलब एक बार थ्रॉटल देके जो भागती है गाड़ी, वो अल्टीमेट है। इसका जो पावर है वो अल्टीमेट पावर है इसमें। सो वो भी मैं दिखाऊंगा कि जब मैं थ्रॉटल देता हूँ, फुल थ्रॉटल देता हूँ तो कितना क्विक इसका रिस्पॉन्स है। सो गाइस, अभी 20-22 पर चल रहा है। क्या बात है भाई, Ntorq का थ्रॉटल का बात ही कुछ अलग है। आपने देखा, जस्ट मैंने थोड़ा सा थ्रॉटल किया, गाड़ी एकदम रॉकेट की तो बूम करके निकला पूरा। तो इसका जो थ्रॉटल है वो बहुत अल्टीमेट है। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली इसको चलाने में मज़ा आता है क्योंकि मैं ये डेली बेसिस में चलाता हूँ। और ये मैंने लिया था आई थिंक जनवरी में मैंने लिया था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने में मैंने इसको 6000 किलोमीटर चला दिया। आई नो थोड़ा ज़्यादा चला दिया बट 6 महीने में मैंने 6000 किलोमीटर इसको चला दिया है अभी तक। और सर्विस इसका होता है
2,500 से 3,000 के आसपास आपको सर्विस कराना पड़ता है। सर्विस कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, आपको 1,000 रुपीज़ के अंदर अगर आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तब 1,000 रुपीज़ के अंदर आपका सर्विस कॉस्ट आ जाता है। बात कर लेते हैं इसके मोड के बारे में, तो अभी ये चल रहा है स्पोर्ट्स मोड में, तो आप स्पोर्ट्स मोड में देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर फ्यूल है, यहाँ पर इंजन जो गर्म होता है उसका इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कितना गाड़ी कितना मिनट कितना सेकंड अभी चल रहा है, और 0 to 60 कितना में जा रहा है, तो 15 सेकंड में जाता है। ये नॉर्मल में मैं जाता हूँ ऐसे में, और अगर मैं एक साथ मतलब पूरा थ्रॉटल खींच के जा सकता हूँ तो वो अलग बात है, वो अभी तक चेक नहीं किया। 6,000 किलोमीटर मैंने चला दिया बट अभी तक मैंने चेक नहीं किया है वो वाला। और स्ट्रीट मोड में अगर आपको मिलता है तो स्ट्रीट मोड में सिर्फ यहाँ पर आपको एक क्लॉक मिलेगा और कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुका है, मतलब जो किलोमीटर का साइन है वो गाड़ी चला है। सो फिर से एक बार थ्रॉटल रिस्पॉन्स अगर देखना चाहते हैं तो क्या बात है यार, अल्टीमेट इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। सो हे गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं और वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, बट मैंने जो एंडिंग पार्ट था मैं वहीं पर शूट कर लिया था, आई मीन स्कूटी पे, बट मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरा गोप्रो जो है वो बंद है, मतलब कुछ भी यार कुछ भी, मतलब मैं वहां पर पूरा 5 मिनट का या 6 मिनट का मैंने एंडिंग पार्ट बनाया बट वो एंडिंग पार्ट शूट ही नहीं हुआ। मैं अभी जब एडिट करने बैठा हूँ तब मुझे देख रहा है कि वो जो क्लिप है वो है ही नहीं, मैंने सोचा कि मैंने ट्रांसफ़र करना भूल गया, फिर मैं फिर कंप्यूटर चला के बैठा, फिर देखिए वो एंडिंग पार्ट तो शूट ही नहीं हुआ। सो राइट नाउ इट्स 8:13 इन द नाइट और मैं अभी एंडिंग पार्ट शूट करने बैठा हूँ। सो आई थिंक मैंने जितना भी डिटेल था TVS Ntorq 125 का मैंने सब कुछ क्लियर आप लोगों से कर दिया। अगर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स निकल गए मतलब मैंने नहीं बोला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और प्रीवियस वीडियो मैंने जो डाला था कि लॉकडाउन में मैं मोटर व्लॉग करने गया था, फर्स्ट राइड ऑन लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन, सो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं और बीबी फैमिली ने प्यार दिखाया नहीं, तो बीबी फैमिली क्या कर रही हो यार, प्यार दिखाओ सपोर्ट दिखाओ जैसे पहले दिखाते थे, तो क्योंकि अगर आप लोग हैं तो मैं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरा बीबी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता अकेले। सो यही बात है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, क्योंकि कॉन्टेंट अभी मैं जो भी मिलेगा वही मैं कॉन्टेंट बना के वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। सो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में बहुत ही जल्द, और टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।